करवा चौथ के दिन दिल्ली के केशवपुरम इलाके में एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई। एक पति ने अपनी पत्नी और 4 साल के बेटे की हत्या कर दी। हत्या के बाद वो लाशों के पास सो भी गया। मकान मालिक ने जब घर का दरवाजा खटखटाया तो उसने पत्नी और बेटे की हत्या की बात बताई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने अपनी पत्नी और बेटे की हत्या क्यों की ये फिलहाल साफ नहीं हो पाया है। करवा चौथ के दिन दिल्ली के केशवपुरम में एक पति ने अपनी पत्नी और बेटे दोनों की हत्या कर दी।